हेलो हेलो सागर, हेलो। हेलो सागर, हेलो। आवाज आ रही है बच्चे? हेलो हेलो, हेलो हेलो सागर, आवाज आ रही है बच्चे? हेलो हेलो, हेलो हेलो। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। एक मिनट, यस सर। देखना, अब आ हेलो। रही है। एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ आवाज। यस सर, आ रही है। अब मैंने हैंडसेट लगाया, ये हैंडसेट आ रही है सर। उठा नहीं रहा। हेलो यस सर। बच्चे, करें स्टार्ट क्लास। यस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर दो मासीज हैं, ए एम वन है, ये एम टू है बच्चे, इन दो मासीज का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, याद है आपको? अगर ये टोटल डिस्टेंस डी था तो इतना सेंटर ऑफ मास क्या था, ये पोजीशन क्या थी, देखकर बताना कॉपी से। हाँ जी, बोलो बच्चों, कॉपी से देखकर बताना फटाफट, क्या था ये, जल्दी बताओ क्या था ये। हाँ जी बच्चों, सक्षम सागर, ये डिस्टेंस क्या था, इतना याद है आपको, कॉपी से देखकर बता दो। ये यहां से लेकर यहां तक कितना था डिस्टेंस, एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू था, ये वाला डिस्टेंस कितना था, देखो लास्ट लेक्चर में करवाया था कि नहीं करवाया, यस सर। कितना था बच्चे ये एम टू से, हाँ जी बच्चे, एम वन डी एम वन प्लस, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, ये कहां से था, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम वन, ये क्या था बच्चे, ये था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम टू। देखो इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक? इसको मैं ओके। बच्चे आर वन बोल देता हूँ, इसको मैं बच्चे आर टू बोल देता हूँ, तो आर वन मेरा है एम टू बी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और आर टू मेरा है एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनता है मेरे पास, देखना, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे
M2 upon M1 D. ये इससे कट गया, D से T कट गया, M2 upon M1 बच गया, यानी R1 upon R2 is equal to M2 upon, यहां तक आ गया, यहां तक बताओ बच्चों सही है ये? Yes sir. अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है वो ध्यान से देखना, मुझे पता लग रहा है R is inversely proportional to mass. बोलो, R is inversely proportional to mass. हाँ जी बच्चों, R is inversely proportional to mass. इसका मतलब क्या है? जितना मास ज्यादा होगा उतना आर कम होगा. कहने का मतलब समझो मेरी बात, ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा बताओ? सेंटर में होगा या कहां होगा? बोलो, जिसका मास ज्यादा उसका आर कम सेंटर ऑफ मास से, यानी ये जो आर है ना ये कम हो गया. अगर तो मास 5-5 केजी था बच्चे, तो ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है, समझो ध्यान से. अगर ये मास मैंने बढ़ा दिया 5 की जगह 6 किलो कर दिया, तो पता सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ, यहां पर आ. अगर ये मैंने और बढ़ा दिया, ये मैंने 10 केजी कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये 5 किलो है, ये 10 किलो हो गया, तो क्या होगा बताओ? हां जी, ये सेंटर ऑफ मास और इसके पास चला जाएगा, यानी ये डिस्टेंस और कम होता चला जाएगा. जितना मास बढ़ता जाएगा उतना आर कम होता जाएगा. इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? हाँ जी बच्चे बोलो, बोलो बच्चे. नो सर. लिख सकते हो यहाँ पर कि जितना मास बढ़ता जाएगा उतना सेंटर ऑफ मास उससे दूर कब उसके पास चला जाता जाएगा. यानी सेंटर ऑफ मास एक लालची पर्सन होता है, हमेशा किसके पास रहना चाहता है बच्चे? वो जिसका मास ज्यादा होता है उसके पास रहना चाहता है. जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसके पास वो शिफ्ट करने लग जाएगा सेंटर ऑफ मास. नोट कर लो बच्चों इसको फटाफट. हाँ जी बच्चों, नोट कर लो इसको जल्दी से. और एक लाइन लिख लेना, यहां पर एक लाइन लिख लेना बच्चों. सेंटर ऑफ इन टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास लाइज near the heavier mass. दो पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास हैवी मास के पास लाई करेगा. लिख लिया बच्चों यहां तक? चले आगे. चले बच्चों आगे. यस सर. रब कर रहा हूं बच्चे मैं इसको. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर दोनों का मास सेम हो गया तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां होगी? बोलोगे ये मेरा, मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास ये है, ये मेरा आर वन है, ये मेरा आर टू. अगर दोनों का मास सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चे, फॉर्मूला क्या था?
आर वन अपॉन आर टू, एम टू अपॉन एम, एम टू कितना है एम, एम वन कितना है एम, तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन, यानी दोनों की रेशियो क्या होगी बच्चे, वन रेशियो वन, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर में। अच्छा मुझे ये बताना बच्चे, अगर मास एम है दूसरा टू एम है तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो बोलो बच्चे कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, बच्चे कहाँ होगा बोलो, कैसे करेंगे, R1 अपॉन R2, M2 अपॉन M1, M2 कितना बच्चे 2M, M1 कितना है M, तो R1 से थोड़ा राइट साइड पर, तो ये आ गया बच्चे 2, यानी R1 अपॉन R2 की रेशियो आ गई 2:1, 2:1 का मतलब है बच्चे ये जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ये R1 होगा 2 और R2 होगा 1, यहां पर लाई करेगा कि नहीं 2m के पास, कोई दिक्कत है बच्चों, हाँ जी बच्चों एनी डाउट, नो सर मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, अगला क्वेश्चन ये 2m है, ये 2m है, ये m है, ये अब आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, वैसे तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना आता है बच्चों आपको, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ अलग मेथड जो मैंने टू मास पार्टिकल सिस्टम से ड्राइव किया, वैसे तो आपको इसका आता है फॉर्मूला m1 r1 m2 r2 upon m3 r3 है ना, याद है फॉर्मूला ना जो हमने पहले किया था, वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा टेक्निक बता रहा हूँ इसको शॉर्टकट करने की, शॉर्टकट क्या है बच्चों वो देखो, आप किसी भी दो मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ होगा, इन दोनों का, ये दो मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बच्चे कहाँ होगा जल्दी बोलो, हाँ जी बच्चे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 2m 2m का कहाँ होगा, सेंटर में, वेरी गुड, ये होगा सेंटर में, ठीक है, ये किसका सेंटर ऑफ मास है 2m 2m का सेंटर ऑफ मास है बच्चे, है ना, यस ओके, इसी तरह मुझे ये बताओ इस mm का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बोलो सेंटर, वेरी गुड, ये भी सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किसका है mm, क्लियर बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर, अब मैं इनको भूल जाना है मैंने, अब मैंने यही दो मास पार्टिकल याद रखने हैं, एक मेरा सेंटर ऑफ मास ये था और एक मेरा सेंटर ऑफ मास ये था, इसका मास 2m 2m था और इसका मास mm था, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बच्चे कहाँ लाई करेगा, ये शॉर्टकट है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बता सकते हो आप, सर 2:1, 2:1 वेरी गुड, 2:1 पर लाई करेगा, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब बच्चे शॉर्टकट था हमने लगा लिया, अब इसको टू मास पार्टिकल को सॉल्व करना है, हमने टू मास पार्टिकल को अगर मैंने सॉल्व करना है बच्चे, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ तुम्हें याद है वही R1 R2 फॉर्मूला क्या था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे M1 अपॉन M2 अपॉन M1 अपॉन M ना बच्चे M2 अपॉन M1 गलत नहीं करना, M2 अपॉन M1 R M इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे,
अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये 2m 2m तो टोटल तो 4m हो गया ना, मैं 4m लिख लूं, यहां mm टोटल कितना हो गया 2m। अब मुझे ये बताओ m2 कितना बच्चे 2m, m1 कितना बच्चे, नहीं m2 है 4m और m1 कितना बच्चे 2m, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, r1 upon r2 कितना आ गया 2 ratio, यानी r1 है 2 और r1 है r2 है। बताओ समझ आया आपको कि नहीं आया? यस सर। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आगे चले बच्चों, ये शॉर्टकट है, एक टेक्निक मैंने बताई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बच्चों आगे एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, ये रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे, अगर नोट कर लिया आपने, पहले मैं एक चीज आपसे पूछ लो फिर मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, ये क्वेश्चन का आंसर करना बच्चों आपने। ये मास एम, मास एम, मास एम, मास एम, इस स्केयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये स्केयर, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर सर। ओह वेरी गुड, इन दोनों का सेंटर आ गया, ये इन दोनों का सेंटर आ गया, ये इन दोनों का सेंटर आ गया, तो ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सेंटर कितना बनेगा बच्चे 2m यहाँ, और इन दोनों का सेंटर कितना बनेगा, इन दोनों का सेंटर कितना बनेगा 2m यहाँ, और इन दोनों का सेंटर बनेगा ये आ जाएगा सर। अच्छा बच्चे ये बताओ फिर, इसी तरह सिमेट्रिकल बॉडीज में मेरे पास काफी सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी, अब हर एक सिमेट्रिकल बॉडी का आप सेंटर ऑफ मास मुझे बता सकते हो। लाइक मैं आपको कह दूं, इसके बाद हेक्सागन है बच्चे, ये हेक्सागन है, सिमेट्रिकल बॉडी है, M M M M M M कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? सिमेट्रिकल बॉडी है, साइड भी सारी सेम है, ये भी ये है, सेंटर में ही होगा। ओह वेरी गुड, सिमेट्रिकल बॉडी, जैसे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आपने 2m निकाला, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर 2m निकाला, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, ये चीज आ गई, और सभी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करेगा, दैट्स इट बच्चे। ये मैंने आपको समझाना था सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, आपको समझ आया बच्चे सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। अब बच्चे ये मेरा सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया खत्म। अब मेरा सेकंड पार्ट क्या था आपको याद है बच्चों? सेकंड पार्ट क्या था सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट मास सिस्टम के बाद अगला टॉपिक क्या था मैंने आपको लिखवाया था? दो तरह के सेंटर ऑफ मास थे, अगला टॉपिक बताओ क्या था? सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास सिस्टम, ये मेरा आज का टॉपिक है, और ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट टफ है, और आपको ध्यान से करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है बच्चे? अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये एक बॉडी है। अब बॉडी के अंदर बच्चे मास पार्टिकल तो हजारों लाखों करोड़ों होंगे, बोलो रिस्पॉन्स किया करो थोड़ा सा। यस सर। अगर इसका पोजीशन वेक्टर आर वन है, एम टू का पोजीशन वेक्टर आर टू है, एम थ्री का आर थ्री है, एम फोर का आर फोर है, ऐसे नंबर ऑफ पोजीशन वेक्टर्स होंगे बच्चे, हाँ जी, तो इनका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिस्क्रीट मास का याद है आपको, एम वन आर वन, एम टू आर टू, एम थ्री आर थ्री,
अप टू सो ऑन ऐड करते जाएंगे आप, बोलो। यस सर। जैसे मैंने चार पार्टिकल को ऐड किया, तीन को किया, दस को किया, वैसे अगर लाखों करोड़ों को मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, बोलो बच्चों। यस सर। अब मुझे ये बताओ, क्या इज इट पॉसिबल टू ऐड टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास एडिशन बाय एडिशन ऑफ दिस टर्म अप टू सो ऑन इनफिनिटी, इसको बार बार आप ऐड करते जाओ तो ये क्या पॉसिबल है कि आप सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे इनफिनिटी बार इसको ऐड करते जाओ, तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा, है बच्चे? यस। तो हम क्या करते हैं, हम समझो यहाँ पर एक छोटे से मास पार्टिकल का, हम पूरी बॉडी की जगह एक पूरी बॉडी की जगह एक छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास देखते हैं, छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं बच्चे छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने एक छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये मैंने छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला बच्चे, ठीक है, यही होता है ना छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास। यस बच्चो। Yes. RDM यही था, मास इनटू मास इनटू R1 वही है, मास इनटू R1, ये मास किसका है छोटे से उसका, उसको क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब छोटे से मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाला, अब छोटे छोटे को प्लस करते जाओ तो आपका सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का आ जाता है, इंटीग्रेशन आपका काम आसान कर देती है, आप छोटे से का निकालो उस पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ तो इट मीन्स आपने छोटे से मास सेंटर ऑफ मास की जगह पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया। ये फॉर्मूला बच्चे हम यूज करेंगे, अब अगर एक्ससीएम होगा तो क्या लिखेंगे, हाँ जी बच्चे, अगर एक्ससीएम होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डीएम अपॉन डीएम, अगर वाईसीएम होगा तो क्या लिखेंगे, वाई इंटू डीएम अपॉन डीएम, अगर जेडसीएम होगा तो क्या लिखेंगे, जेड डीएम अपॉन डीएम, लिख लो बच्चों इसको फटाफट। तो ये अब हमने नए फॉर्मूले यूज कर, आज हम अब के बाद हम सेंटर ऑफ मास और कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूले यूज करेंगे, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट? यस सर। ओके, मैं रब कर रहा हूं इसको। अब बच्चों, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है इसको मैं मास डेंसिटी को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कहता बॉडी का जो मास होगा बच्चे वो तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बॉडी का जो मास है वो तीन तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लीनियर मास डेंसिटी सबसे पहला है, लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा है सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको वन डायमेंशन बोलते हैं, इसको टू डायमेंशन बोलते हैं, इसको थ्री डायमेंशन बोलते हैं। बच्चे वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक रॉड है, रॉड की बच्चे लेंथ बहुत ज्यादा होगी, एक रॉड मैंने ऐसी मानी जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और ब्रेड्थ बहुत कम है, तो उसकी रॉड की लेंथ को ही हम कंसीडर करेंगे, ब्रेड्थ को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो एक ही साइड है रॉड की वो क्या है लेंथ, तो उसके क्या बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब रॉड की लेंथ जो है इसके अंदर मास पार्टिकल, यहाँ पर लाखों करोड़ों मास पार्टिकल ऐसे पड़े होंगे, वो लेंथ के अलाउंग, हाँ जी बच्चों, लाखों करोड़ों मास पार्टिकल लेंथ के अलाउंग ही पड़े होंगे। यस सर। ओके, अब और बताओ लीनियर में क्या आ सकते हैं, रिंग है,
रिंग का सारा मास बच्चे कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? रिंग का सारा मास उसके यहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है, बोलो। बीच में तो कोई मास ही नहीं होता है ना, तो ये इसका इसका भी सारा का सारा मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है बच्चे? लेंथ के अलोंग। रिंग का भी सारा मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है। जो चीजें रॉड से बनती हैं वो सारी बंडली में आती हैं। अब आप देख लो कौन कौन सी चीजें रॉड से बनती हैं। अच्छा, टू डायमेंशन में कौन सी चीजें आती हैं ये बताओ मुझे। टू डायमेंशन में जो चीजें शीट से बनती हैं, शीट से, पेपर शीट से जो चीजें बनती हैं, एक डिस्क, ठीक है बच्चे, डिस्क पेपर से बनती है, और क्या होगा? होलोस्फीयर, बॉल में खाली बॉल में हवा भर दो, होलोस्फीयर। और बच्चे क्या होता है? एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुको। हाँ जी बच्चों, पेपर शीट से कौन कौन सी चीजें बनेंगी? एक डिस्क बनेगी, एक होलो स्फीयर बनेगा, एक होलो सिलेंडर बनेगा, और क्या बन सकता है बच्चे? हाँ जी, एक जो आप एक नमकीन वगैरह खाते हो वो होलो कोन, वो भी बन सकता है, ठीक है बच्चे। अब मुझे ये बताओ 3D में चीजें कौन सी होंगी जिसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही सिग्निफिकेंट है? उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ सिग्निफिकेंट होते हैं। कौन आएगा बच्चे 3D के अंदर? जिसके अंदर और क्या? क्यूब। हाँ, क्यूब। उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्या होगा? कोई भी चीजें जो सॉलिड है अंदर से भरी हुई है, गेंद को अंदर से भर दो तो वो 3D में आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, कोन को अंदर से भर दिया, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर को अंदर से भर दिया बच्चे, ये सारी 3D में आ जाएगी। ये आप नोट कर लो बच्चे। थ्री डी की चीजें, टू डी की और वन डी की। जो पेपर शीट से बनती हैं वो हमेशा टू डी में होती हैं। रब कर दूं बच्चे? यस सर, नोट कर लिया। लीनियर मास डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला, पहले वाला लीनियर मास डेंसिटी में क्या होता है? एक रॉड है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में काम होते हैं। रॉड के अंदर लाखों करोड़ों मास पार्टिकल है, लेकिन रॉड की लेंथ के अलोंग ही है। मास इसका एम है और पूरी रॉड का लेंथ एल है। अब समझो मेरी बात, इस रॉड का मैंने सेंटर ऑफ मास पता करना है। ये इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन। पहले डेरिवेशन से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। अब देखो बच्चे, इसका मैंने सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पूरी रॉड के छोटे से हिस्से का सेंटर ऑफ मास मैं निकाल लेता हूँ। उस छोटे से हिस्से का मास कितना मान लो बच्चे? डीएम मान लो, ठीक है बच्चे। पूरी लेंथ का मास कितना है बच्चे? एम। पूरी रॉड जो लेंथ एल है उसका मास है एम। एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम अपॉन एल, इसको बोल देंगे लैम्डा। दिस इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। दोबारा फिर समझो बच्चे,
पूरी रॉड का मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, l लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का मास m अपॉन l, इसको क्या बोल देंगे बच्चे लैम्डा। अब किसका मास निकालना है मुझे, किसका मास निकालना है बच्चे मुझे, इस ये dm निकालना है ये कितना होगा। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, इसकी जो लेंथ मैं मान रहा हूं वो dx मान रहा हूं, अगर L लेंथ का मास m, L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का लैम्डा है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, बोलो dx लेंथ का मास कितना होगा बच्चे। बच्चे एक पेन का प्राइस है 5 रुपीज, पेन पेन का कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50, 20 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा 100। आप क्या कर रहे हो, एक पेन के प्राइस को जितने का पता करना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे। यस सर। अब वही चीज यहां देखो, ये क्या है लैम्डा, क्या है किसका मास है, यूनिट लेंथ का मास है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, यही है। ये एक यूनिट लेंथ का मास कितना है बच्चे लैम्डा, मुझे कितनी लेंथ का निकालना है बच्चे dx लेंथ, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू dx। ओह वेरी गुड, दैट्स ये मेरी चीज आपको सिखानी थी, अगर आपको समझ आई तो देखो, समझ आई आपको कि नहीं आई। लैम्डा की वैल्यू कितनी है m / l / dx, तो ये मेरा आ गया dx। ये चीज देखो आपको समझ आई बच्चों को, नहीं आई? यस सर। वेरी गुड, तो मैं पहले डेरिवेशन आपको रॉड की ही करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद रिंग की करेंगे, फिर बाकी चीजों की करेंगे। पहले मैंने ये चीज समझाई है ना, तो मैं अब इसी की ही डेरिवेशन आपको करवा रहा हूँ। फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर ऑफ यूनिफॉर्म रोड, ये पेपर में पक्का आएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 5 मार्क की आएगी। यहां तक देखो बच्चों क्लियर है, इतने तक आपको समझ आ गया, तो मैं आगे चल रहा हूं। अब बच्चे मैं आगे चल रहा हूं इसी में, अब मुझे ये बताओ, ये मैंने सेंटर ऑफ मास एक्स लेंथ का पता कर लिया, फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास पता करने का, एक्स सी एम इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या था एक्स अपॉन, फॉर्मूला बताओ जो अभी लिखवाया था आपको मैंने सेंटर ऑफ मास फिर कंटिन्यू सिस्टम का बच्चे, एक्स डी एम अपॉन डी एम, यही फॉर्मूला लिखवाया था, देखना बच्चे। यस सर। ओके अच्छा बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, एक्स सी एम तो निकालना है मुझे, ये मेरा एक्स एज इट इज, डी एम की जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चे, डी एम की जगह मैं क्या पुट करूंगा, चाहे लैम्डा डी एक्स पुट कर लूं, चाहे एम बाय एल डी एक्स, एम बाय एल डी एक्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पुट कर लूंगा मैं, लैम्डा डी एक्स पुट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। डी एम की जगह मैं लैम्डा डी एक्स पुट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, ये लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आके कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स डी एम अपॉन डी एक्स रह जाएगा, देखना यहां तक अगर आपको क्लियर है सारी चीज। यस सर। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, थोड़ी सी टफ लगेगी आपको। अच्छा मुझे सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक का पता करना है, रॉड की इस लेंथ जीरो से लेके जो ओरिजिन से लेकर यहां तक लेंथ कितनी है रॉड की, एल जीरो, x के अलोंग पड़ी है रॉड, इसलिए मैं x सी एम पता कर रहा हूँ, x के अलोंग पड़ी है इसलिए मैं x के अलोंग ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। लेंथ क्या है बच्चे, जीरो से लेकर एंड तक लेंथ क्या रॉड की, l, तो x सी एम बच्चे क्या आ जाएगा, x डी एम, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सॉरी बच्चे डी एक्स की जगह क्या था x, नीचे भी देख लो,
dx की जगह क्या पुट करना था हमने बच्चे? सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है हमारा लैम्डा dx। हाँ dm था ना बच्चे, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। हाँ dm की जगह लैम्डा dx था, फिर मैंने लैम्डा dx ही पुट किया ना, dm की जगह लैम्डा dx ही पुट किया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब मुझे x dx की इंटीग्रेशन बोलोगे कितनी होगी? याद है आपको x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? हाँ जी बच्चों, x स्क्वायर बाय 2, याद है कि नहीं याद? y dx, y की कितनी होती है बच्चे? हाँ जी y स्क्वायर बाय 2। t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे? t स्क्वायर बाय 2। जो ये पावर होती है ना बच्चे, इसमें पावर 1 ऐड हो जाती है, वही पावर नीचे होती है। हमेशा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है लर्न करना, तो वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे। तो मुझे बताओ जल्दी, x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या है? 0 से n। नीचे dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? d से इंटीग्रेशन खत्म हो गया, नीचे क्या रह गया बच्चे? यहाँ पर भी मैं 0 से n लिमिट ले लेता हूँ, x रह गया। तुम्हें पता है अकेले dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? साफ d को खा जाता है अकेला x। अकेले dy की इंटीग्रेशन क्या होगी? साफ d को खा जाएगा अकेला y। dt की इंटीग्रेशन क्या होगी अकेले? याद है? ओह वेरी गुड। तो ये चीजें बच्चों याद रखनी है आपने, बेसिक चीजें हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैंने इसको टफ लिखा था, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी सी यूज होती है। लिमिट क्या होगी? 0 से। मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं बच्चे, हमारी एक डेरिवेशन पूरी होने वाली है। मैं आपको होमवर्क भी बताऊंगा कि आपने ये होमवर्क घर से करके आना है बच्चे। xcm इज इक्वल टू हाफ, तुम्हें पता है इसको x की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है x की जगह? l। लोअर लिमिट क्या है? 0। x की जगह ऊपर वाली, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हाँ जी, अपर लिमिट क्या है बच्चे? l माइनस हाफ l स्क्वायर बाय l, l ने l को मार दिया l। तो सेंटर ऑफ मास रॉड का कहां लाई करेगा बच्चे? l बाय 2, यानी सेंटर पर लाई करेगा। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो मुझे आप बता दोगे सेंटर ऑफ मास, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बोलो। बिल्कुल सेंटर। ये फॉर यूनिफॉर्म रॉड है बच्चे, इसको रब कर रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो बच्चे। मैं एक और करवाना चाहता हूँ आपको जल्दी से क्वेश्चन, नोट करो फटाफट। कर लिया नोट बच्चे? यस सर। सेंटर ऑफ मास फॉर नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब बच्चे ये एक रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हो क्या होता है? इसका बच्चे मास कांस्टेंट नहीं है नॉन यूनिफॉर्म का मास। अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मास m है, लेंथ l है। अब बच्चे पता क्या है, रॉड में मास जा तो रॉड का धीरे 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 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज होती है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। मास नॉट सेम, पूरी रॉड का मास सेम नहीं है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो बच्चे इसके अंदर भी वही चीज करनी है, l लेंथ का मास कितना होगा? m। यूनिट लेंथ का कितना होगा? m by l, जिसको क्या बोलेंगे? लैम्डा। कितने का निकालना है बच्चे जल्दी? छोटा सा टुकड़ा मान लेंगे dm, छोटी सी लेंथ dx, dx लेंथ का सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चे? बोलो, dx लेंथ का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? लैम्डा इनटू डी। फॉर्मूला क्या होता था? xcm इज इक्वल टू xdm बाय dm। बच्चे x की जगह तो x ही होगा, लैम्डा dm की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब चीज यहां पर चेंज क्या होगी?
लैम्डा की जगह मैं क्या पुट करूंगा बच्चे, क्या दिया हुआ मुझे लैम्डा की जगह, लैम्डा नॉट एक्स, ये चीज पढ़ते हैं। लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट गया, एक्स सीएम कितना आ गया बच्चे, x की पावर 3 dx, x की पावर 2 dx। एक गलती ना करना बच्चे, x स्क्वायर से x, ये x स्क्वायर ऊपर काटना ना, ये नहीं काटना आपने, ये गलती नहीं करनी आपको। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर? इतना समझ आ गया आपको? यस सर। ओके अच्छा बच्चे, टाइम कम रह गया, ये मतलब अपने आप मीटिंग कैंसिल हो सकती है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। x हमने सेंटर ऑफ मास 0 से n, 0 से n पता करना है। आपने ना घर पे क्या करना है, रिंग का सेंटर ऑफ मास पता करना है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता करना है, होलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास पता करना है, और कोन का सेंटर ऑफ मास। आप नेट से या बुक से कर सकते हो, और कल मैं चेक करूंगा रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, कोन। ओके सर। ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे, ये आएगी 0 से l, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 3। और मैं आपको ना एक टेस्ट भेजूंगा,